एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, स्टेटस का जो सॉन्ग है वो एक नेपाली सॉन्ग है और ये सॉन्ग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस सॉन्ग पे एक स्टेटस क्रिएट किया है। ठीक है, अगर कोई भी नेपाली मेरे फ्रेंड्स ये स्टेटस देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टेटस कैसा लगा। और अभी तक किसी ने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को हर रोज़ मिलेगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि HD स्टेटस आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो का जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा सभी मटेरियल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको डिस्क्रिप्शन से दोनों XML को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एलाइट मोशन में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के वक्त अगर एलाइट मोशन शो नहीं कर रहा है आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, पिन क्या हुआ ये वाला एलाइट मोशन ऐप आपको मिल जाएगा। सिंपल से आपको इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद दोनों XML को इसमें शेयर कर देना है, इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट पर जाना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो डबल बिटमार्क है इसका मतलब है सेकंड इफेक्ट, और जो सिंगल बिटमार्क है इसका मतलब है फर्स्ट इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको गर्ल एंड बॉय दोनों का इमेज का जरूरत पड़ेगा, टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डबल बिटमार्क का मतलब है सेकंड इफेक्ट और सिंगल बिटमार्क का मतलब है फर्स्ट इफेक्ट। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑडियो का लिंक मिलेगा, ऑडियो से आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ऑडियो को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप वन दिखाई दे रहा है, ग्रुप वन पे क्लिक करना है। एडिट ग्रुप दिखाई दे रहा है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इमेज का लेयर देखने को मिलेगा। आपको एक इमेज बॉय का सिलेक्ट करना है, एक इमेज गर्ल का सिलेक्ट करना है। इस तरीके से इमेज के लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, करंट फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले बॉय का या गर्ल का कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे गर्ल्स का इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है गर्ल बॉय दिखाई दे रहा है। आपको सिंपल से क्या करना है, एक गर्ल एक बॉय, इस तरीके से आपको यहाँ पे इमेज को ऐड करना है। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपको गर्ल का इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बॉय दिखाई दे रहा है, बॉय के लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। बॉय का इमेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको क्या, गर्ल दिखाई दे रहा है, गर्ल पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, गर्ल का इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। फिर से आपके पे बॉय दिखाई दे रहा है, बॉय के लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपके पे बॉय का इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्ल का, सेम आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे गर्ल के इमेज सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बॉय है लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, बॉयज का इमेज सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, गर्ल है, इस पर भी क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, गर्ल का इमेज सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बॉय है लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, बॉय का इमेज सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और जो लास्ट कलर है इसको छोड़ देना है इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इमेजेस को ऐड कर लिया। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है, शेक इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको इफेक्ट वन इफेक्ट टू देखने को मिलेगा, और इस बार 6 CC है। ठीक है, आपको क्या करना है, इफेक्ट वन पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ऐसे आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से गर्ल का इमेज आ गया, सिंगल बिटमार्क है, सिंगल बिटमार्क जितना भी इमेजेस है सभी पे आपको फर्स्ट इफेक्ट पेस्ट करना है। डबल बिटमार्क छोड़ देना है, ये भी डबल है, इसको भी छोड़ देना है, डबल बिटमार्क को छोड़ देना है, फर्स्ट इफेक्ट पेस्ट करना है सिंगल बिटमार्क पे, डबल छोड़ देना है, डबल को छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद बैक आना है, शेक इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट टू है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। साथ में जो CC है इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके ऊपर जो प्लस है, प्लस पे क्लिक करके कॉपी 6 लेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल बिटमार्क पे जाना है, जितना भी डबल बिटमार्क का इमेज है सभी पे आपको सेकंड इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो।
उसके बाद आपको पूरा स्टार्टिंग पॉइंट पे देना है और जो सीसी आपने कॉपी किया था ऊपर जो प्लस है प्लस पे क्लिक करके पेस्ट सिक्स लेयर कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा एंडिंग पॉइंट तक चारों जो छः सीसी है इनको लेके आ जाना है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तब देख सकते हो हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, सब कुछ लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।